नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुकराम। दो विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके बारे में दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक को रंगे हाथ जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, साथ में उसके पास से शराब भी काफी मात्रा में बरामद हुई है, और दूसरे विधायक पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि डायरेक्ट तो पुलिस विधायक के रसूख के कारण सुन नहीं रही थी, तो जो पीड़ित थी महिला उसको कोर्ट जाना पड़ता था। कहाँ के दोनों विधायक हैं और कैसे गिरफ्तार इनको ही पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ जिन्हें रंगे हाथ जुआ खेलते हुए और शराब के साथ पकड़ा गया है। शराब इसलिए, वैसे तो शराब पीना कोई इतना बड़ा अपराध नहीं, क्राइम नहीं है, लगा के लाइन लोग बिकती है, लॉकडाउन में भी बिकी, और जहां लॉकडाउन में लोगों को बाहर जाने की मनाही थी वहां शराब खुलेआम बिक रही थी, और भीड़ किस तरह से थी वो आप हम सब जानते हैं। लेकिन गुजरात में क्या है कि शराब बैन है, मोदी जी के गुजरात, यहाँ पर मोदी जी इतने साल मुख्यमंत्री बने रहे, वहाँ पर गुजरात में शराब बैन है। अगर आप शराब के साथ कहीं पकड़े गए तो आपकी गिरफ्तारी और फिर जेल जाना तय है। तो यहाँ पर क्या होगा कि गुजरात में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जिनका नाम है केसरी सिंह सोलंकी। इन्हें और इनके 13 साथियों को एक क्लब से जुआ खेलते हुए और शराब के साथ रंगेहाथ वहीं की लोकल क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की जो टीम थी, जो पुलिस की टीम थी, उन्होंने इन्हें एक जिमी क्लब जो एक रिजोर्ट है वहां पर छापेमारी की, तो वहां पर विधायक साहब जो सोलंकी हैं ये वहां पर पाए गए और जुआ खेल रहे थे और शराब के साथ गिरफ्तारी हुई है। अब इन्हें जेल भेजने की तैयारी और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि जहाँ गुजरात में शराब बैन है वहाँ इन लोगों के पास आराम से शराब मिल रही है, मिली भी क्यों ना, सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने, गुजरात की पुलिस ने अपना एक तरह से हौसला दिखाते हुए और सरकार के ही जो विधायक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। अब बात करते हैं दूसरे विधायक की। दूसरे विधायक उत्तराखंड के हैं, हरिद्वार जिले में एक विधानसभा सीट पड़ती है जिसका नाम है जवालापुर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राठौर, जिनका पूरा नाम है सुरेश राठौर। इन पर 376 का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस लड़की ने इन पर मुकदमा दर्ज किया है, पहले इन्होंने उसे जेल भिजवाने का काम किया था, कह रहे थे कि ये मेरे से 36 लाख रुपए की मांग कर रही थी, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेल करने के उनके पास कोई ना कोई चीज तो होगी अगर इनका आरोप है। लेकिन पीड़िता का यह कहना था कि उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया है। पुलिस ने उस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज भी दिया था। बाद में वो कोर्ट पहुंच गई और अब कोर्ट ने आदेश दिया, और कोर्ट के आदेश के बाद थाना बहादुराबाद पुलिस ने 376 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस पर वहां के जो एसएसपी हैं जिनका नाम है अब्दुल कृष्ण राज एस, उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज किया गया और अब इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल राठौर, जो सुरेश राठौर है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हाँ, मुकदमा दर्ज जरूर हो गया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कब गिरफ्तारी होगी, कब इसमें और नया अपडेट आएगा। आपको कुलदीप सिंह सेंगर तो याद ही होंगे जो उन्नाव से विधायक थे बीजेपी के, उसके बाद जब उन पर रेप के आरोप लगाए थे पीड़िता ने, पीड़िता के चाचा और उनके कई सारे लोगों पर हमला भी हुआ, के परिवार के कई सारे लोगों की जान चली गई, उनके पिता की भी जान चली गई, तब जाके वो जेल गए थे, उसके बाद उन्हें सजा भी सुनाई गई। वो मामले ने लगातार तूल पकड़ा क्योंकि वो विधायक थे और सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए थे। यहाँ पर भी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन भी कहीं ना कहीं दबाव में जरूर रहता है। अब देखते हैं सुरेश राठौर की गिरफ्तारी कब होती है, क्योंकि कोर्ट ने तो आदेश दे दिया और मुकदमा दर्ज भी हो गया। आम आदमी होता तो अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती, लेकिन 376 का मुकदमा है तो इतना छोटा नहीं है, तो इसमें गिरफ्तारी तो जरूर होगी। तो इसमें जो भी नया अपडेट आएगा वो आप लोगों तक पहुँचा दूंगा, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये था दो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जहाँ पर जो चीज़ बैन है उसके साथ गिरफ्तार हो रहे हैं, और दूसरे ही हैं जिन पर 376 का मुकदमा दर्ज हुआ। तो एक लंबी लिस्ट हो गई है भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिन पर लगातार इस तरह के आरोप लगते जा रहे हैं। अब चुनाव से पहले और चीज़ें भी निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि इन स्टेट में चुनाव भी हैं, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी, तो सारे अपडेट मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाता रहूँगा। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब की स्पेशल कवरेज हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। उसके लिए आप लोग hindvoicenews@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। जो लोग वहाँ के पत्रकार हैं, लोकल हैं, हमारा समर्थन करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इस बाकी खबरों के लिए आप हिंद वॉइस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।